सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में किस तरह से आप जॉब ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कनाडा में जॉब लेने के लिए। तो इसके बारे में पूरा वीडियो रहेगा, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर कनाडा में जॉब के लिए कहाँ से अप्लाई करें, जॉब बैंक्स जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पे जो 80% जॉब्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा में जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं उन्हीं लोगों के लिए होता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल दें देन आपको मैं बता दूँ कि जैसे आपके स्क्रीन के सामने ये चल रहा है अभी, इसमें अगर आप नीचे देखेंगे देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके पास कनाडा का वर्क परमिट है या फिर कनाडा में लीगली वर्क करने का स्टेटस है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और 80% जो जॉब पोस्टेड हैं जॉब बैंक्स में उसमें यही ही लिखा होता है। मतलब अगर आपके पास वर्क परमिट है, स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप हैं और आपका वर्किंग टाइम स्टार्ट हो गया है या फिर आप पीआर होल्डर हैं और आप काम करना चाहते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कनाडा के सिटीजनशिप हैं देन ऑल्सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें अप्लाई बाहर के लोग नहीं कर सकते। और मैंने जो भी देखा है कि जॉब बैंक्स में ऐसे जो जॉब्स हैं ये सारे के सारे इसी टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ जॉब्स इस टाइप के भी होते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा जिसमें कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया होता है कि आपको मतलब यहाँ पे वर्क परमिट आपका होना चाहिए, मतलब आप वहाँ पे लीगली काम करने के लिए ऑलरेडी लायक हो, ऐसा चीज़ कहीं नहीं लिखा गया होता है। और ऐसे ही जॉब्स पे आपको अप्लाई करना है, दूसरे किसी भी जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे देन आपका वहाँ पे रिजेक्शन ही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। आपको पहले तो जॉब बैंक्स में जाना है, जॉब बैंक्स में जाने के बाद आपको ढूंढना है कि भाई ऐसे जॉब कहाँ पे हैं जिसमें इम्पोर्टेंट नोट के ऊपर नहीं लिखा होता है कि भाई सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो कनाडा में लीगली काम कर सकता है। तो आपको वो चीज़ ढूंढना पड़ेगा और वैसे जॉब सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। मैं रोज़ ये काम करता हूँ और जो भी जॉब्स ऐसी मिलती है जिसमें कि कोई भी अप्लाई कर सकता है वो अपनी वेबसाइट www.bncuniverse.co.in इसमें पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हर दिन तकरीबन 200 से 300 जॉब के ये जो जॉब बैंक्स है उसमें आती है और इसमें से गिन के तकरीबन 20 या 30 जॉब ऐसी होती है जो कि सबके लिए होती हैं। तो अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते और आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं देन आप बीएनसी यूनिवर्स विजिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं वही जॉब रखता हूं जो कि मेरे सब्सक्राइबर लोगों को चाहिए होता है। कई सारे जॉब्स जो कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं फिर भी मैं उन्हें स्किप कर देता हूं क्योंकि वैसे जॉब्स की डिमांड इंडिया में नहीं होती। तो इसीलिए आप देखिए कि कौन सी जॉब आपके लिए परफेक्ट रहेगा, खुद अगर अपने लिए सर्च करें तो ज़्यादा बेटर है। आप मेरी वेबसाइट bncuniverse.co.in इसमें अगर विजिट करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट्स ओके, बट आपको सिर्फ और सिर्फ वही जॉब के लिए अप्लाई करना है जिसमें ये ना लिखा हो कि आप लीगली एंटाइटल्ड हो कि आप वहाँ पे काम कर सकें। इस चीज़ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ऐसी जॉब मिल जाती है जो कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए होती है और उसमें आपका क्वालिफिकेशन परफेक्टली फिट बैठ रहा है और आपका एक्सपीरियंस परफेक्टली फिट बैठ रहा है देन आप अप्लाई करें कैसे, उनका ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ होता है, ईमेल आईडी में अपना रिज्यूम जो है वो आपको सेंड करना है। और अगर आप अपना रिज्यूम सेंड कर रहे हैं देन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपका रिज्यूम जो हो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, खास करके कैनेडियन स्टैंडर्ड जो होता है उस हिसाब से बना हो। अगर आपको एक सैम्पल चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं और अपने लिए रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप मॉडिफिकेशन करके अपना रिज्यूम बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे प्रोफेशन वाइज, मतलब अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग का अलग सा रिज्यूम बनता है, कोई अगर डोमेस्टिक वर्कर के लिए अप्लाई कर रहा है देन उसके लिए अलग सा रिज्यूम बनता है, कोई फार्म वर्कर के लिए अप्लाई कर रहा है देन उसके लिए अलग सा रिज्यूम बनता है। तो हर प्रोफेशन वाइज भी रिज्यूम बनते हैं। आप ज़्यादा डिटेल के लिए थोड़ा सा नेट पे सर्च करें, जो लोग भी कनाडा जाना चाहते हैं उनको नेट तो थोड़ा बहुत आना चाहिए तभी जाके आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपका जॉब सर्च कोई भी यहाँ पे जो एजेंट होता है ना वो नहीं करके दे सकता। आप रिज्यूम बनाने के बाद खुद ही अप्लाई करना है। एजेंट के पास कैसा होता है कि 99% एजेंट जो कि कनाडा वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं वो सारे फेक होते हैं, तो उनसे बचिए, खुद का टाइम थोड़ा सा यूज़ कीजिए और ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए जो कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए हों।
और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि वहाँ के लोग इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो कि उनके ज़्यादा करीब हैं, जैसे कि यूएस से अगर कोई अप्लाई कर रहा है देन उसको ज़्यादा चांस देंगे, या फिर जो लोग यूरोपियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा चांस देंगे, जो कि इंडियंस के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल क्रिएट करता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक वर्चुअल नंबर कनाडा का आप ले सकते हैं। ये चीज़ नेट पे आपको आसानी से मिल जाएगी कि किस तरह से वर्चुअल नंबर लेना है, जिसमें कॉल्स तो आपके ही फ़ोन पे आएंगे लेकिन आपका जो नंबर होगा वो कनाडा का नंबर होगा। इसलिए कई बार आपको जो कॉल्स आते हैं ना कि कनाडा से कॉल करना है, वही का कोड आता है, लेकिन भाई फ्रॉड तो दिल्ली से हो रहा होता है या फिर मुंबई से हो रहा होता है। तो ये जो होता है ना, ये वर्चुअल नंबर होते हैं। तो आप अगर एक वर्चुअल नंबर ले लें अपना कनाडा वाला, देन पहली लुक में ऐसा लगता है कि बंदा शायद कनाडा में है या फिर कनाडा विजिट कर चुका है, इसलिए इसके पास कनाडा का नंबर है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर थोड़ा सा कंसिडर करता है और थोड़ा बहुत चांसेस बढ़ते हैं। बट कहीं ना कहीं ये तो कैसा बोलते हैं कि मिक्स्ड रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि आप इंडिया से ही हैं और आपके पास कनाडा का नंबर वर्चुअल नंबर है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ के, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये ट्रिक काम कर जाती है और वर्चुअल नंबर कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका काम आ जाता है। और जिनके पास वहाँ पे विजिटर वीज़ा होता है ना, उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि जैसे उन लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं देन ये विजिटर वीज़ा वाले वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से जैसे ऑफर लेटर आता है, उसके बाद वो लोग अपना वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एजेंट आपके लिए सारी चीज़ें जुगाड़ करके दे। तो इसलिए एजेंट के थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि 99% जो एजेंट है जो कि वर्क परमिट दिलाने की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा बोल सकते हैं कि ऐसा है कि लक बाय चांस अगर किसी का लग गया वर्क परमिट तो लग गया, अदरवाइज कोई भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि उसे वर्क परमिट मिल सकता है कनाडा के लिए। क्योंकि जिसके पास वर्क ऑर्डर नहीं होता ना, वो वर्क परमिट नहीं दिला सकता। और इंडिया में कनाडा का वर्क ऑर्डर लेने वाले मैंने कोई भी एजेंसी नहीं देखी है। और कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो कि मल्टीनेशनल काम करते हैं, जो कि उनका ब्रांच हर जगह पे है और इवन इंडिया में भी होता है। तो ऐसे कुछ एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिनके पास की वर्क ऑर्डर होता है और वो कई बार इंटरव्यू कराते हैं इंडिया में और वहाँ से वर्क परमिट निकल के आता है। ये चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि 99% लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, 1% लोगों के पास वर्क ऑर्डर होता है और वो लोग वर्क परमिट करवा सकते हैं। बट आपको इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा कि किस किस लोगों के पास वर्क ऑर्डर होता है। बाकी जितने भी एजेंट बोलते हैं ना कि प्रोसेस से करा देंगे, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा रुका रहे ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और वैसे उनका भी होता है कि उनको अगर दुकान खोले हैं या फिर कंसल्टेंसी खोले हैं तो उनको भी काफ़ी सारे कॉस्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनका निकालेंगे कैसे, ऐसे ही निकालेंगे। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, तो मैं उनको भी दोष नहीं देना चाहता क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना होता है। बट आप कहीं इनके चक्कर में ना पड़ जाएँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि एजेंसी वेजेंसी छोड़िए, आप पहले तो जॉब बैंक से ट्राई कीजिए, दूसरा मॉन्स्टर और तीसरा इंडीड, ये जो तीन वेबसाइट हैं इन्हीं तीनों से आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन रेगुलरली आपको अप्लाई करना है और देखिए कि वो इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए जॉब खुला है या नहीं। अगर खुला है देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर कैनेडियन स्टैंडर्ड का रिज्यूम बना के उन्हें भेजिए, हो सके तो एक वर्चुअल नंबर कैनेडा का ले लीजिए ताकि आपको थोड़ी बहुत चांसेस बढ़ जाए वहाँ पर जॉब मिलने के। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे देन आपको चांस है कि आपको कनाडा में जॉब मिल जाए और उसके बाद फिर आप वर्क परमिट का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप कनाडा में जॉब ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ और भी मिलते रहें। सो दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।